हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा अध्याय 15 हल करें 15.1 का सवाल लेकर आए। आप देखेंगे 15.1 का जो फर्स्ट नंबर सवाल है, ये एक फिगर पर आधारित है। आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में ध्यान से देखिए कि एक मैदान है जिसका कि लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, यानी ये एक वर्गाकार बगीचा है। इसके सामने एक बरामदा है, देखिए यहाँ पे लिखा है बरामदा, जिसका कि चौड़ाई 5 मीटर है और लंबाई 10 मीटर है, ठीक है। और इसी के बगल में एक 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा एक कमरा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखिए 6 मीटर है और ये जो पोर्शन है ये आपका यहाँ 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा, तो एक कमरा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कमाल परिवार के बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो बगीचा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। दूसरा, प्रति वर्ग मीटर 30 रुपये के दर से बरामदे के फर्श को पक्का करने का कुल खर्च, ये बरामदा है इसको पक्का करने का खर्च। कमाल अपने पढ़ने वाले कमरे में टाइल्स बिछाना चाहता, यदि प्रति टाइल्स का आकार 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर हो तो पढ़ने वाले कमरे में टाइल्स लगाने में कितना टाइल्स लगेगा, हिसाब करके बताएं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बगीचा का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है एक नंबर में, तो चित्र के हिसाब से अगर हम बगीचा का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो देखिए गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल जो पूछा है उसके लिए हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप बगीचा का लंबाई कितना दिया है, बगीचा का लंबाई दिया है 20 मीटर और चूंकि ये वर्गाकार है इसलिए इसको चौड़ाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए वर्गाकार बगीचा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वर्गाकार बगीचा कहने का मतलब ही हुआ कि लंबाई चौड़ाई बराबर है। वर्गाकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो भुजा के लंबाई का होल स्क्वायर होता है। भुजा का होल स्क्वायर कर देंगे और भुजा का लंबाई कितना है, बगीचा का लंबाई कहने का मतलब बगीचा के एक भुजा का लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे बैठाएंगे 220, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, आएगा कितना 400 वर्ग मीटर। तो ये जो 400 वर्ग मीटर आया, ये एक नंबर का आंसर निकल गया कि कमाल के बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, लिखें, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर चलते हैं सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड नंबर में क्या कहा है वो गौर करिए। सेकेंड नंबर में कहा है कि 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से बरामदे का, ठीक है, बरामदे का फर्श को पक्का करने का खर्च। तो सबसे पहले बरामदा का लंबाई चौड़ाई देखें, बरामदा का लंबाई कितना लंबाई है देख लीजिए, यहाँ से 10 मीटर लिख देंगे यहाँ पे 10 मीटर और चौड़ाई यहाँ से दिखाई दे रहा है 5 मीटर। बरामदा का चौड़ाई कितना है लिख लेंगे 5 मीटर, इसलिए पहले बरामदा का क्षेत्रफल निकालिए। बरामदा का क्षेत्रफल, चूंकि ये आयताकार है इसलिए इसको क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई इसका एरिया होगा। अब इसका एरिया निकाल लेंगे, लंबाई 10 है चौड़ाई 5 है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता कितना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 वर्ग मीटर। अच्छा, अब इस बरामदे को पक्का करने का खर्च कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से
बरामदा को पक्का करने का खर्च, पक्का कराने का खर्च निकालना होगा। तो खर्च कितना पड़ जाएगा, तो क्या करेंगे, केवल मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। कितना है तो 50 मल्टीप्लाई 30। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 15 और 2 जीरो, तो 1500 रुपया क्या होगा, इसको पक्का कराने का खर्च निकल गया। तो दो नंबर समझ में आ गया। अब तीसरा नंबर में हमें क्या बोला जा रहा है, तो इसके लिए एक फिगर फिर अभी आ गया आपके सामने। देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है कि कमाल अपने पढ़ने वाले कमरे में टाइल्स लगाना चाहता है। यदि प्रति टाइल्स का आकार 25 सेंटीमीटर हो तो पढ़ने वाले कमरे में टाइल्स लगाने का खर्च कितना होगा। तो पहले पढ़ने वाला जो कमरा है उसका तीन नंबर का सवाल देखिए यहाँ पे। पढ़ने वाला कमरा का लंबाई कितना है, 6 मीटर है। लेकिन देखिए इसमें टाइल्स जो बिछाया जा रहा है उसका मेजरमेंट जो है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए, बढ़िया रहेगा। 600 सेंटीमीटर कर लेते हैं इसको। चौड़ाई कितना है पढ़ने वाला कमरा का, तो यहाँ से देख लीजिए 5 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए। इसलिए कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा निकाल लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो जाता है 600 और गुना 500, 30 और इस पर 4 जीरो, ठीक है, यानी इतना वर्ग मीटर हो गया कमरा का, वर्ग सेंटीमीटर कमरा का एरिया हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एक टाइल्स का मेजरमेंट है वो क्या है सो देख लीजिए। एक टाइल्स का मेजरमेंट क्या है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो 25 लंबाई है और 25 चौड़ाई है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर यही दिया है ना। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, यहाँ देखिए क्या लिखा कि 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर आकार का क्या है, टाइल्स है, ठीक है। तो कितनी टाइल्स लगेगा, तो इसके लिए लिखेंगे, इसलिए टाइल्स की संख्या अगर निकालेंगे तो जितना एरिया है यानी कमरे का फर्श का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो बताइए कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 30 पर कितना जीरो, 4 जीरो, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25 इंटू 25। अब इसको काटना चाहिए अच्छी तरह से, 5 गुना 5 25, 5 6 30। अब यहाँ पर क्या होगा कि 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो गया। अब फिर 5 से अगर काट दें तो 12 5 60 यानी 12 हो जाएगा और फिर 3 जीरो हो जाएगा। फिर एक बार 25 से अगर काटते हैं 5 से तो 5 5 25 और 5 2 10, 5 4 20 और 2 जीरो और आएगा यहाँ पे। फिर अगर 5 से काट दें तो 5 4 20, 5 8 40, 1 जीरो लगा दें, तो टोटल आया कितना आंसर, 480।
480 क्या होगा? टाइल्स। तो 480 टाइल्स में क्या होगा, इसका पढ़ने वाला कमरा पूरी तरह से टाइल्स से बिछ जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट सवाल के लिए जो नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।